हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल मार्बल पॉलिश में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विक्टर फाइल्स के ऊपर जो टाइल्स के ऊपर जो टैप लगी होती है जॉइंट्स के ऊपर, वो किस तरह से उतारी जाती है, उसका सबसे आसान तरीका क्या है और बिल्कुल क्लीन किस तरह से की जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो जॉइंट्स के ऊपर आइब्रो टेप जो लगती है ताकि जॉइंट्स ब्लैक ना हो, तो वो कुछ टाइम बाद में बिल्कुल ऐसे सूख के बिल्कुल पपड़ी की तरह हो जाती है, तो उतारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उसको किस तरह से क्लीन किया जाता है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक पूरा ज़रूर देखें। जैसे कि इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं पर टैप्स उतर चुकी है तो कहीं पर लगी हुई है, तो उसको किस तरह से उतारा जाता है और बिल्कुल क्लीन टाइल्स पर बिना स्क्रैच लगाए किस तरह से सफाई की जाती है, तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि लोहे की पत्ती है, ऐसी आप प्रोटीन वाली पत्ती ले आए, थोड़ी हार्ड पत्ती हो जिससे इस टैप को हम उतारें। जैसे कि इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं, ये मिस्त्री लोग कैसे उतार रहे हैं इसको, टैप को जैसे सूख जाए तो उसको पहले पत्ती से आप उतार लें इस तरह से इसको। ये बिल्कुल सूखी हुई है, तकरीबन इसको 2 से 3 महीने हो चुके हैं, इसके ऊपर बहुत सा काम चला है, तो टैप कहीं से उतर जाती है, कहीं पे लगी हुई रह जाती है। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब टैप उतारते हैं तो स्क्रैच पड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से आप लोहे की पत्ती ले लें, इस पत्ती से आप ऐसी हार्ड पत्ती हो थोड़ी, तो उससे आप इस टैप को एक बार उतार लें। तो दोस्तों, ये जब टैप उतरती है तो इसके जो ग्लू होता है वो इसके अंदर रह जाता है, जैसे कि इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं ग्लू है। ये अब कैसे उतरेगा, तो ये एसिड से किसी साबुन से नहीं उतरता, तो इसको भी हम किस तरह से उतारते हैं उसको भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि इधर टैप सारी उतर चुकी है, ये देखिए, ये कचरा पूरा टैप का हो चुका है, लेकिन इसका ग्लू अभी भी इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये ग्लू किस तरह से उतारा जाता है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए, जैसे ये ग्लू लगा हुआ है, टैप उतर चुकी है, बाकी इसका गूंद रह जाता है। तो दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको, ये है तारपीन तेल। आप चाहो तो पेट्रोल ले सकते हो, तारपीन तेल ले सकते हो, थिनर भी ले सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट यही रहता है जैसे कि तारपीन तेल है। तो दोस्तों, ये लगाने के बाद जल्दी से सूखता नहीं है, इसको ऐसे कपड़े पर लगाकर इस ग्लू पे आप लगा ले, बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे कि हम आपको दिखा रहे, देखो ये बिल्कुल सॉफ्ट होने के बाद में आप जल्दी से इस पर कपड़ा लगा लें सूखने से पहले, और ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इसके बदले अगर आपके पास में केरोसिन तेल हो तो वो भी आप यूज़ ले सकते हैं, केरोसिन भी ले सकते हैं, तारपीन का तेल भी ले सकते हैं, पेट्रोल भी ले सकते हैं, लेकिन तारपीन का तेल सबसे बेस्ट रहता है। ये थोड़ा बजट के अंदर भी कम रहता है, सस्ता रहता है, और ये जल्दी से सूखता नहीं है लगाने के बाद। जैसे इधर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कपड़ा लेके इस जॉइंट्स के ऊपर आप लगाएं तारपीन तेल, जिससे ये ग्लू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपके बिल्कुल क्लीनिंग टाइल्स के अंदर बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और स्क्रैच भी इसके नहीं आएंगे। देखिए, जैसे कि इधर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, ये देखिए, ये बिल्कुल इसका गूंद वगैरह सब साफ़ हो चुका है। एक साइड से हम इसकी सफाई कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो, ये तारपीन तेल है, ये इधर टैपिंग उतारी जा रही है। तो इसके अंदर ज़्यादा वक्त नहीं लगता, अगर आप भी चाहो तो अपने घर के ऊपर, अपने साइड के ऊपर इसी तरह से सफाई कर सकते हो और टाइल्स को बिल्कुल क्लीन करके चमका सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के ज़रिए से ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।